हेलो एंड वेलकम टू नॉलेज जोन चैनल। आज 7 जनवरी के दिन हम डिस्कस करेंगे पीआईबी की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ है मन्नाथु पद्मभान जी के बारे में। तो यहाँ पर हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने मन्नाथु पद्मभान जी की जयंती पर उनको ट्रिब्यूट पे किया। देखिए, मन्नाथु पद्मनाम जी जो थे वो एक इंडियन सोशल रिफॉर्मर और फ्रीडम फाइटर थे जो कि केरला से बिलोंग करते थे। तो इन्होंने यहाँ पर रिकॉग्नाइज किया, इनको यहाँ पर रिकॉग्नाइज किया गया एज ए फाउंडर ऑफ नायर सर्विस सोसाइटी की, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन थी। देखिए, ये ऑर्गेनाइजेशन जो थी इसको क्रिएट किया गया था नायर सोसाइटी जो थी उसके वेलफेयर के लिए, जो कि प्राइमरली केरला में पाई जाती है। फर्दर उन्होंने रिशेप किया जो ओल्ड कॉन्सेप्ट था विलेज सोसाइटी का, उसको रिशेप किया, जिसको कहते हैं कारा योगम, जो कि प्रैक्टिकली सेट करती है टेनोर ऑफ फैमिली एंड विलेजेस लाइफ को। फर्दर उन्होंने इसके अलावा यहाँ पर वाईकॉम सत्याग्रह, इसके अलावा गुरुवायूर टेम्पल एंट्री सत्याग्रह में भी पार्टिसिपेट किया, और वो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे ट्रैवनकोर देव स्वाम बोर्ड के। इसके अलावा उन्होंने रिवाइटलाइज किया था बहुत सारे टेम्पल्स को जो कि ऑलमोस्ट सीज हो चुके हैं फंक्शन से। 1959 में उन्होंने क्रिश्चियन चर्च के साथ यहाँ पर एक ओपोजिशन के तौर पर, यूनाइटेड ओपोजिशन के तौर पर यहाँ पर जो स्टेट कम्युनिस्ट मिनिस्ट्री थी उसके अगेंस्ट में लेड किया, जो कि विमोचन स्मरण यानी कि लिबरेशन स्ट्रगल के नाम से भी प्रख्यात हुआ था। इसके अलावा उनको कई सारे अवार्ड्स और ऑनर्स भी दिए गए थे, जिसमें कि उनको भारत केसरी का ऑनर दिया गया, सम्मान दिया गया था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। इसके अलावा उन्होंने पद्म भूषण का अवार्ड भी यहाँ पर दिया था 1966 में। अगली न्यूज़ है स्वस्थ वायु के बारे में। तो यहाँ पर एक एक्सपर्ट कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया गया है डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा। तो उन्होंने यहां पर कंक्लूड किया है कि जो स्वस्थ वायु है इसको यूज किया जा सकता है उन कोविड-19 पेशेंट्स के लिए जिनको की ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन की जरूरत होती है। तो यहां पर अप टू 35% तक की जो ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन है वो इसके थ्रू की जा सकती है। देखिए, जब कोविड-19 का जो सिचुएशन था, इनिशियली हमने सुना था कि बहुत ज़्यादा पेशेंट ऐसे भी हैं जिनको कि सांस लेने में दिक्कत होती है, तो यहाँ पर उनको अलग से ऑक्सीजन की सप्लाई करनी पड़ती थी, यानी कि एक तरह से उनको ऑक्सीजन देना होता था, तो ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। तो इसके लिए यहाँ पर स्वस्थ वायु को एक तरह से लेकर के आया गया है सप्लीमेंटेशन के तौर पर। देखिए, स्वस्थ वायु के बारे में जान लेते हैं। देखिए, यहाँ पर जो भी शॉर्टेज थी वेंटिलेटर्स की, उसको एड्रेस करने के लिए कोविड-19 के जो पैंडेमिक की सिचुएशन की शुरुआत में यहाँ पर काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च यानी कि CSIR और NAL यानी कि नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी के साइंटिस्ट ने इंडिजीनियसली डिजाइन और डेवलप किया नन इन्वेसिव बाई लेवल पॉजिटिव एयर वे प्रेशर वेंटिलेटर को, जिसका नाम है स्वस्थ वायु। तो ये एक तरह की प्रेशर वेंटिलेटर है जिसको कि यहाँ पर CSIR और NAL के द्वारा डेवलप किया गया है। देखिए, ये एक माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड प्रिसाइज क्लोज्ड लूप अडैप्टिव कंट्रोल सिस्टम है, ठीक है, तो जो कि बिल्ट है बायो कंपैटिबल 3D प्रिंटेड मैनिफोल्ड और कपलर से, और इसमें जो फिल्टर है वो हेपा फिल्टर है यानी कि हाईली इफिशियंट पर्टिकुलेट एयर फिल्टर। तो देखिए, इस एयर फिल्टर से क्या होगा, क्योंकि ये काफ़ी हाईली इफिशियंट पर्टिकुलेट एयर फिल्टर है, यानी कि छोटे छोटे जो पर्टिकुलेट मैटर्स है वो इसके थ्रू नहीं जा पाएंगे, और यहाँ पर एक तरह से जो फियर है जो वायरस के स्प्रेड का वो भी यहाँ पर समाप्त हो जाएगा, क्योंकि जो फिल्टर है काफ़ी ज़्यादा इफिशियंट है, तो इसके थ्रू यहाँ पर वायरस का स्प्रेड रोका जा सकता है। तो CSIR और NAL ने इसको कमर्शलाइज किया है इस टेक्नोलॉजी को 6 प्राइवेट कंपनीज के साथ। अगली न्यूज़ है टॉय कैथॉन 2021 के बारे में। देखिए, ये टॉय कैथॉन 2021 जो कि एक स्पेशल काइंड ऑफ हैकेथॉन है, इसको लॉन्च किया गया है डिफरेंट मिनिस्ट्री के द्वारा, जिसमें कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, होम वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ MSME,
मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, इसके अलावा AICT भी इसमें शामिल थे, जिन्होंने ज्वाइंटली लॉन्च किया है ट्रायकैथन 2021 और ट्रायकैथन पोर्टल को। देखिए ये जो है ट्रायकैथन है वो एक स्पेशल काइंड ऑफ हैकेथॉन है, जहां पर स्टूडेंट और टीचर्स जो कि डिफरेंट स्कूल और कॉलेजेस से होंगे वो शामिल होंगे। इसके अलावा यहां पर जो भी डिज़ाइन एक्सपर्ट हैं, टॉय एक्सपर्ट्स हैं और स्टार्टअप्स जो हैं वो यहां पर एक साथ आएंगे, ताकि जो टॉयज को जो डेवलप करने की जो आइडिया है उसको एक तरह से यहां पर डेवलप किया जा सके। फर्दर यहां पर ये जो टॉयज और गेम्स जो डेवलप किए जाएंगे वो बेस्ड होंगे इंडियन कल्चर और इथोस के ऊपर, और साथ ही यहां पर जो भी लोकल हीरोज हैं उनको यहां पर एक तरह से प्रमोट किया जाएगा। तो ये जो ट्रायकैथन है इसके थ्रू इंडिया को एज अ ग्लोबल हब के तौर पर रिप्रेजेंट करना है टॉयज और गेम्स के फील्ड में। फर्दर ये जो ट्रायकैथन है ये हेल्प करेगी बच्चों को कि वो अपने इथॉस और वैल्यू को समझ सके, अपने इंडियन कल्चर को, जैसा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंदर बताया गया है। तो यहाँ पर ये ट्रायकैथन जो है वो बेस्ड है 9 थीम्स के ऊपर, जिसमें से है इंडियन कल्चर, हिस्ट्री, नॉलेज ऑफ इंडिया एंड इथॉस, लर्निंग, एजुकेशन एंड स्कूलिंग, सोशल एंड ह्यूमन वैल्यूज, ऑक्यूपेशन एंड साइंटिफिक फील्ड। इसी तरह से ये सारे के सारे जो थीम्स हैं इसके अलग अलग वो यहाँ पर मेंशन किया गया है। देखिए इस ट्रायकैथन के 3 वेरिएंट ट्रैक होंगे, जिसमें कि जूनियर लेवल, सीनियर लेवल और स्टार्टअप लेवल होगा, जो कि स्टूडेंट्स और टीचर को अलाउ करेगा कि वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकें। इसके अलावा यहाँ पर स्टार्टअप्स और टॉय एक्सपर्ट भी शामिल हैं। अगली न्यूज़ है इंडिया जर्मनी लीडर्स वीडियो टेली कॉन्फ्रेंस के बारे में। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और जर्मन काउंटर पार्ट फेडरल चांसलर डॉक्टर एंजेला मार्केल ने के बीच में यहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू यहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस की गई। तो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ने अप्रिशिएट किया जो भी लॉन्ग स्टैंडिंग रोल है चांसलर मार्केल का स्टेबल और स्ट्रांग लीडरशिप प्रोवाइड करने में यूरोपियन और ग्लोबल स्टेज के ऊपर। फर्दर उन्होंने यहाँ पर थैंक्स किया उनको फॉर गाइडिंग द ग्रोथ ऑफ इंडिया जर्मनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। इसके अलावा यहाँ पर फर्दर की इश्यूज पे भी डिस्कशन हुई जो म्यूचुअल इंपॉर्टेंस है, जिसमें कि रिस्पॉन्स टू COVID-19 पैंडेमिक, इसके अलावा बायलैटरल टाइज, रीजनल और ग्लोबल इशूज जो कि इंडिया और यूरोपियन यूनियन के रिलेशन से रिलेटेड हैं उन पर बात हुई। देखिए यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ने ब्रीफ किया चांसलर मार्केल को कि किस तरह से जो डेवलपमेंट है इंडिया के अंदर जो वैक्सीन डेवलपमेंट है उसको लेकर के। इसके अलावा उन्होंने यहाँ पर जर्मनी की जो डिसीजन है कि वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन करना चाहती हैं, तो उसके लिए भी यहाँ पर उन्होंने अपनी खुशी जाहिर की और कहा कि जो डिज़ायर है वो, और उन्होंने अपनी जो डिज़ायर है उसको एक्सप्रेस किया कि किस तरह से जो कॉरपोरेशन है जर्मनी के साथ उसको एक तरह से स्ट्रेंथन किया जाए अंडर द प्लेटफॉर्म ऑफ कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो यहाँ पर उन्होंने जो 70वीं एनिवर्सरी है सेटिंग अप ऑफ बायलैटरल रिलेशन बिटवीन इंडिया और जर्मनी उसको मार्क करते हुए कहा कि जो 20th एनिवर्सरी है ऑफ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ऑफ द टू लीडर, तो वो यहाँ पर अग्री करते हैं कि 6 इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशन को होल्ड किया जाए अर्ली डेट इन 2021 और यहाँ पर जो एम्बिशियस एजेंडा है उसको सेट किया जाए। देखिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है वो अलायंस है जिसमें कि 121 कंट्री है और इसको इनिशिएट किया गया था इंडिया के द्वारा। तो यहाँ पर जो मेंबर कंट्री हैं वो सनशाइन कंट्री है जो कि लाई करते हैं कम्प्लीटली और पार्शियली बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में। देखिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है उसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम इंडिया के अंदर है और इसकी ऑब्जेक्टिव जो है वो है कि किस तरह से फॉसिल फ्यूल के ऊपर जो डिपेंडेंसी है उसको रिड्यूस किया जाए, और यहाँ पर जो अलायंस है वो वर्क करता है इफिशियंट कंजप्शन ऑफ सोलर एनर्जी को लेकर के। अगली न्यूज़ है इंडियन एयरफोर्स और इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडी एंड रिसर्च यानी कि IDSR के बीच में जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुई है उसके बारे में। देखिए ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो 29th of December 2020 को साइन की गई इंडियन एयरफोर्स और इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज एंड रिसर्च के बीच में। देखिए ये जो
इंस्टीट्यूट है वो एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है गुजरात यूनिवर्सिटी का। तो यहाँ पर इनके द्वारा एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की गई है। तो ये जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो इनेबल करेगा जो भी ऑफिसर्स हैं इंडियन एयरफोर्स के कि वो अब डॉक्टोरल रिसर्च कर सकते हैं, इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी कर सकते हैं जो भी उनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है उसके अंदर। तो यहाँ पर डिफेंस स्टडीज, डिफेंस मैनेजमेंट, नेशनल सिक्योरिटी, एरोस्पेस एंड एविएशन साइंस और जो भी अदर एरिया ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी है उसको यहाँ पर कवर किया जाएगा इनके द्वारा। देखिए ये इवेंट जो है वो एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे किया गया जिसको कि चेयर किया था एयर ऑफिसर इंचार्ज पर्सनल एयर मार्शल आरजे डकवर्थ ने। देखिए ये जो प्रोजेक्ट है वो पार्ट है प्रोजेक्ट आकाश दीप का। तो यहाँ पर इंडियन एयर फोर्स ने इंटर किया है इस तरह की पार्टनरशिप में जो भी प्रेस्टिजियस एकेडमीज हैं उनके साथ मिलकर, ताकि जो रिसर्च है ऑफिसर्स के द्वारा उसको प्रमोट किया जा सके और एक थिंक टैंक का पूल क्रिएट किया जा सके विथ स्ट्रेटेजिक नॉलेज और इंटेलेक्चुअल स्किल्स। अगली न्यूज़ है ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। देखिए यहाँ पर जो स्टैंडिंग कमेटी है नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ उनकी यहाँ पर 60th मीटिंग हेल्ड की गई 5 जनवरी के दिन। तो यहाँ पर उन्होंने अप्रूवल दी है एडवाइजरी फॉर मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। देखिए यहाँ पर कुछ जो एडवाइजरी है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट प्रिस्क्रिप्शन दिए गए हैं स्टेट और यूनियन टेरिटरी को कि वो किस तरह से ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट का सिचुएशन जो है उससे डील करते हैं। तो इस एडवाइजरी के अंतर्गत यहाँ पर ग्राम पंचायत को इम्पावर करने की बात कही गई ताकि जो भी ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसको इनके द्वारा डील किया जा सके एज पर द सेक्शन 11(1) सब क्लॉज बी ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर। तो यहाँ पर जो एड ऑन कवरेज है उसको यूटिलाइज करने की बात है अंडर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो कि क्रॉप कंपनसेशन के तौर पे दिए जाते हैं अगेंस्ट जो क्रॉप डैमेज होती है ड्यू टू ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट के थ्रू। फर्दर यहाँ पर फोडर और वाटर सोर्सेज जो हैं उसको एक तरह से इंक्रीज करना विद इन द फॉरेस्ट एरिया। तो यहाँ पर कुछ की स्टेप इन्विसाज किए गए हैं ताकि जो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट है उसको रिड्यूस किया जा सके और जो भी पर्सन इसमें जिसकी डेथ होती है तो उसके जो फैमिली पर्सन है उसको 24 आवर के भीतर यहाँ पर कंपनसेट किया जाए। देखिए फर्दर यहाँ पर जो एडवाइजरी है उन्होंने यहाँ पे इन्विसाज किया है प्रिस्क्राइबिंग इंटर डिपार्टमेंटल कमिटी लोकल लेवल पे स्टेट लेवल पे और यहाँ पर कहा है कि जो अर्ली वार्निंग सिस्टम है उसको एडॉप्ट किया जा सके और बैरियर्स को क्रिएट किया जा सके ताकि यहाँ पर जो भी वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट है उसको यहाँ पर उससे बचा जा सके। इसके अलावा यहाँ पर फ्री हॉटलाइन नंबर दिए गए हैं जो कि 24/7 बेसिस पे ऑपरेटेड होगी। इसके अलावा हॉटस्पॉट को आइडेंटिफाई किया जाएगा और जो स्पेशल प्लान है उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा और यहाँ पर जो इम्प्रूव्ड स्टॉल फेड फार्म एनिमल है उनके लिए। तो कुछ अदर इम्पॉर्टेंट अप्रूवल भी है जो इस मीटिंग के दौरान लिए गए जिसमें इंक्लूजन ऑफ कैरकल जो कि एक मीडियम साइज वाइल्ड कैट है उसको भी इंक्लूड किया गया है जो कि राजस्थान और गुजरात में पाई जाती है। देखिए ये जो कैरकल है वो एक क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज है तो इसका यहाँ पर कंजर्वेशन किया जाएगा तो उसके लिए एफर्ट लगाई जा रही है। देखिए ऐसे अभी 22 वाइल्ड लाइफ स्पीशीज हैं जिनको कि रिकवरी प्रोग्राम के अंदर रखा गया है फॉर क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज के लिए। तो यहाँ पर जो मीटिंग है स्टैंडिंग कमिटी ने यहाँ पर इसके अंदर रिकमेंड किया है कि किस तरह से कॉजवे अक्रॉस जामपन्नावागु टू मुथपुर ऑफ गोविंदर ओपेट यहाँ पर उसको कंस्ट्रक्ट किया जाए। इसके अलावा जो यहाँ पर रिकमेंडेशन दी गई है फॉर द प्रपोजल फॉर तिनाई घाट कास्टर लॉक कैसल रॉक के कैरेंजोल रेलवे डबलिंग ऑफ साउथ वेस्टर्न रेलवे की, तो इस तरह से ये सारे प्रपोजल दिए गए हैं। देखिए फर्दर यहाँ पर डिसीजन जो लिया गया है मीटिंग में वहाँ पर ब्रिजेस के कंस्ट्रक्शन की बात की गई है और कनाल के कंस्ट्रक्शन की बात है जिसका एम है कि किस तरह से वाटर सप्लाई और इरिगेशन फैसिलिटी को इम्प्रूव किया जाए इस एरिया में। देखिए नेशनल
वाइल्ड लाइफ बोर्ड की अगर बात की जाए तो इसको कंस्टिट्यूट किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अंडर सेक्शन 5A ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत। तो जो स्टैंडिंग कमिटी है नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, उन्होंने यहाँ पर प्रपोजल जो है उसको कंडक्ट प्रपोजल जो है उसको कंसीडर किया है आफ्टर सीरीज ऑफ लेवल ऑफ स्क्रूटनी के बाद। देखिए यहाँ पर जो व्यू है एक्सपर्ट मेंबर का उसको भी यहाँ पर कंसीडर किया जाएगा जो भी डिसीजन है उसको लेने से पहले। अगली न्यूज़ है स्पेसिफाइड स्किल्ड वर्कर के बारे में। तो यहाँ पर यूनियन कैबिनेट जिसको कि चेयर किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, तो उन्होंने यहाँ पर अप्रूवल दे दी है जो मेमोरेंडम साइन की जाएगी बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ जापान के बीच में ऑन अ बेसिक फ्रेमवर्क फॉर पार्टनरशिप फॉर प्रॉपर ऑपरेशन ऑफ द सिस्टम पर्टेनिंग टू स्पेशलाइज्ड स्किल्ड वर्कर को लेकर के। देखिए तो इसी स्पेशलाइज्ड स्किल्ड वर्कर के लिए यहाँ पर ये मेमोरेंडम साइन की जाएगी जापान और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में। डिटेल्स जान लेते हैं। देखिए ये जो प्रेजेंट मेमोरेंडम ऑफ कॉरपोरेशन है वो एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म को सेट करेगा पार्टनरशिप और कॉरपोरेशन के लिए इंडिया और जापान के बीच में। तो यहाँ पर सेंडिंग और एक्सेप्टिंग होगी स्किल्ड इंडियन वर्कर्स की जो कि क्वालिफाइड हो और जिनके अंदर रिक्वायर्ड स्किल हो, और जैपनीज लैंग्वेज का यहाँ पर टेस्ट किया जाएगा टू वर्क इन 14 स्पेसिफाइड सेक्टर इन जापान। तो ये जो इंडियन वर्कर होंगे उनको ग्रांट किया जाएगा एक न्यू स्टेटस ऑफ रेसिडेंस ऑफ स्पेसिफाइड स्किल्ड वर्कर का बाय द गवर्नमेंट ऑफ जापान। तो यानी कि इस तरह के जो भी वर्कर्स होंगे उनको ये स्पेसिफाइड स्किल्ड वर्कर की स्टेटस दी जाएगी। देखिए इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रैटेजी जो है वो की जाएगी ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप के द्वारा जिसको कि सेटअप किया जाएगा ताकि जो भी इम्प्लीमेंटेशन है इस मेमोरेंडम ऑफ कॉरपोरेशन की उसको इम्प्लीमेंट किया जा सके। अब मेजर इम्पैक्ट क्या होगा इस मेमोरेंडम ऑफ कॉरपोरेशन का उसको जान लेते हैं। देखिए इसके थ्रू जो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट है वो इन्हेंस होगा, इसके अलावा मोबिलिटी ऑफ वर्कर जो है वो तेज होगी, और स्किल प्रोफेशनल जो है इंडिया से जापान की ओर वो यहाँ पर उसमें भी काफ़ी ज़्यादा इन्हेंसमेंट देखने को मिलेगी। देखिए बेनिफिशरीज कौन होंगे उसके बारे में जान लेते हैं। जो भी स्किल्ड इंडियन वर्कर्स होंगे फ्रॉम 14 सेक्टर्स जैसे कि नर्सिंग केयर, बिल्डिंग क्लीनिंग, मटेरियल प्रोसेसिंग इन इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियल मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन रिलेटेड इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन, शिप बिल्डिंग, शिप रिलेटेड इंडस्ट्रीज, ऑटोमोबाइल मेंटेनेंस, एविएशन लोडिंग सॉरी एविएशन लॉजिंग, एग्रीकल्चर, फिशरीज, फूड एंड बेवरेज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, फूड सर्विस इंडस्ट्री। तो ये सारे जो इंडस्ट्री है ये सारे एक तरह से बेनिफिशरीज होंगी जो कि इन्हेंस जॉब अपॉर्चुनिटी होगी उनके लिए कि किस तरह से वो जापान के अंदर वर्क कर सकते हैं इस अपॉर्चुनिटी के अंदर। तो ये सारे लोग ही इसके बेनिफिशरीज होंगे।